के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बीते कल भी सुनवाई नहीं हुई है। 20 अक्टूबर तक आर्यन को ऑर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा। किंग खान के घर के अंदर का मूड काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। शाहरुख खान समेत गौरी खान फ़ोन पर लगातार लीगल एक्सपर्ट्स और करीबी दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, शाहरुख के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में क्रूज पार्टी से गिरफ्तार हुए। आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, लेकिन उनका इंटरनेशनल कनेक्शन लगातार बताया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और आर्यन खान के वकील के बीच बीते कल काफ़ी लंबी बहस हुई। इसके बाद सुनवाई को 20 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है। कोर्ट के इन सेशंस के बीच शाहरुख और गौरी खान के पारिवारिक दोस्त ने घर के भीतर के माहौल को लेकर बड़ा बयान दिया है। शाहरुख और गौरी के पारिवारिक दोस्त ने बताया कि दोनों हर गुजरते दिन के साथ चिंतित होते जा रहे हैं। इस करीबी दोस्त ने कहा, गौरी खान ने आर्यन के लिए मन्नत मांगी है। नवरात्रि के मौके पर वो लगातार दुआ कर रही हैं। मीठा और शुगर दोनों गौरी ने नहीं खाई जब से इस त्यौहार की शुरुआत हुई। मिली जानकारी की माने तो शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान जब तक बेटा रिहा नहीं हो जाता तब तक मीठा नहीं खाएंगी। किंग खान के मैनेजर पूजा ददलानी, जो लगातार कोर्ट और एनसीबी के दफ्तर के बाहर स्पॉट की गई हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर दुर्गा माता की शेयर की तस्वीर 14 अक्टूबर की सुनवाई से पहले शेयर की थी। साथ ही में लिखा, शुक्रिया माता रानी। शाहरुख खान और गौरी दोनों को ही लगा था कि उनके बेटे आर्यन को बीते कल बेल मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों के हाथ निराशा ही लगी। करीबी दोस्त ने बताया, शाहरुख खान ने अपने सेलिब्रिटी दोस्तों से कहा वो मन्नत इतनी जल्दी जल्दी ना आए, इतनी जल्दी जल्दी मन्नत ना पहुंचे। सलमान खान 3 बार शाहरुख के घर पहुंच चुके हैं। लगातार सलमान शाहरुख को सपोर्ट दे रहे हैं, केस को बारीकी से परख रहे हैं। सलमान खान के वकील अमित देसाई आर्यन खान केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। सलमान शाहरुख से हर दिन बात कर रहे हैं, इस मामले पर अपनी राय दे रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।